777 चार्ली मूवी आ चुकी है। जब इसका ट्रेलर आया था ना, तो मुझे यही लगा था कि हाँ यार एक डॉग की स्टोरी होगी, बट जो लीडिंग रोल में है वो अपने रक्षित शेट्टी ही होंगे। बट मूवी देखने के बाद चला कि भैया लीडिंग रोल में वो नहीं है, वो तो सपोर्टिंग रोल में है, लीडिंग रोल में तो हमारे चार्ली हैं। तो 777 चार्ली एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी रुलाएगी भरपूर और आपको कुछ सिखा के जाएगी जीवन के बारे में कि आखिर जीवन है क्या, इसकी वैल्यू क्या है, इसको कैसे जीना है, इसका हर एक पल कितना कीमती है हमारे लिए, अगर हम इसको सही तरह से जिए तो ये हमारे जीवन का बेस्ट पल हो जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हमको सिखा के जाएगी ये मूवी। तो मूवी है एक ऐसे बंदे की जो अपने जीवन में बिल्कुल हार चुका है, बचपन से लेके अब तक कुछ अचीव किया नहीं, जीवन में कुछ ज़रा एक्साइटमेंट है नहीं उसके, खाता है पीता है सोता है जागता है, काम पे जाता है फिर आता है, दारू सिगरेट सब कुछ चलता है और फिर सो जाता है। उसको तो शायद मालूम ही नहीं है कि स्माइल नाम की कोई चीज़ होती है, हंसी किसको कहते हैं, और उसे ना सब लोग डरते हैं। ये तो हमको ट्रेलर में देख के पता लग गया था कि उसके जीवन में कुछ है नहीं कि जो उससे खुश भी रहता हो, क्योंकि वो अपने आप से खुश नहीं रहता, किसी ने उसको देखा ही नहीं कि वो हंस भी सकता है कि नहीं, उसके दांत है भी कि नहीं, मतलब ऐसा इंसान है वो। उसके आसपास के सभी लोग डरते हैं, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी उसके पास नहीं आना चाहते, तभी उसकी लाइफ में आता है चार्ली। तो अगर सही मायने बोला जाए तो मेल नहीं फीमेल है, तो वो आती है और इसके जीवन में एकदम उधम मजा देती है। अब वो बंदा उसको अडॉप्ट तो कर लेता है, पर उसको अडॉप्ट करने के बाद उसकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। पहले हाफ में तो आपको यही दिखाया जाएगा कि जब वो उसकी लाइफ में आता है तो कितना उधम मचाती है वो और उसकी लाइफ तहस महस कर देती है, और फिर बाद में उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये उसकी लाइफ में एक बेस्ट पार्ट बन के आई है, जिसने उसको सुधार दिया है और उसकी लाइफ को काफ़ी फनी बना दिया है, वो उम्मीदें जगा दी हैं जो वो खो चुका था, जीवन क्या होता है वो भूल चुका था। चार्ली ने उसको वो सिखाया कि आखिर जीवन है क्या, उसको याद दिलाया। पहले हाफ में आपको यही सब कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे वो अपनी लाइफ में वापस आया हंसी खुशी, बहुत सारा फन देखने को मिलेगा। बट जैसे दूसरा पार्ट आता है तो वो थोड़ा ना इमोशन कर देगा आपको, वो हर मूवी में ही होता है कि पहला हाफ बहुत ही ज़बरदस्त जाता है, दूसरा हाफ थोड़ा स्लो रहता है क्योंकि उसमें स्टोरी लगभग अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है, जो स्टोरी को थोड़ा स्लो कर देती हैं। दूसरे हाफ में धर्मा को चार्ली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज थी। तो ऐसे ऐसे फिर सीन आएंगे ना जो आपको काफ़ी ज़्यादा रुला देंगे, मतलब लिटरली आप उस मूवी के साथ बंधे रहोगे, बट अंदर ही अंदर से आपको वो काफ़ी हैवी फील करवा देंगे, यार ये सीन कैसा आ गया है। तब आपकी परीक्षा होगी कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने आंसुओं को कितना रोक सकते हो, इतने बेहतरीन इतने डीप मीनिंग वाले इतने ज़्यादा इमोशनल सीन आपको सेकंड हाफ में देखने को मिल जाएंगे, और कई के सीन तो बहुत ज़्यादा भारी हैं। तो डॉग और इंसान के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने डॉग पाले हुए हैं, और इवन वो भी लोग समझ सकते हैं जिन्होंने डॉग तो नहीं पाले बट आते जाते गली मोहल्ले के डॉग के साथ उनका एक अलग ही लगाव है, उनको आते जाते उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना, तो डॉग कनेक्ट रहते हैं और वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो मूवी ठीक है, बट अगर आप इसका कंपैरिजन के फर्स्ट हाफ से करोगे तो आपको ये मूवी बोझ भी लग सकती है। अगर बात करें तो स्टोरी ठीक है, एक्टिंग सब ने ठीक की है, और मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात से हूँ कि यार उस चार्ली ने इतनी बढ़िया एक्टिंग कैसे की, मतलब उसको थोड़ा ना आप यह सिखाओगे कि ऐसा करो ऐसा करो, वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाला था। तो मूवी अच्छी है, आप समय निकाल के इसको ज़रूर देखने जाओ। मैं भी थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं कल ही देख लेता, इसीलिए आज इसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।